हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 9.4 करेंगे। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ईच सर्कल ऑफ डायामीटर। आपको गिवन है, डायामीटर दिया है 49 सेंटीमीटर, तो रेडियस आप निकाल लीजिए। डायामीटर का हाफ होता है रेडियस, डायामीटर का हाफ होता है रेडियस। आपको डायामीटर कितना दिया है, 49 अपॉन 2, मीन्स डायामीटर कितना आएगा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ये 0.5, मीन्स 24.5। यहाँ आपकी रेडियस आ गई है 24.5। यहाँ पर हमारी रेडियस निकल गई है 24.5। अब आपको क्या निकालनी है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आता है 2πr। तो 2 × π की वैल्यू 22/7, और r आपने यहाँ से निकाला था 24.5। 2 × 22/7, यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो 2 4 5/10। अब इसको कट कर दीजिए, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, और यहाँ 3 जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। तो कितना बचा, 2 × 22 × 7/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आया, 22 × 7, मीन्स 154 सेंटीमीटर। ये क्या आई है, सर्कमफेरेंस आई है। अब आपको सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमने निकाला था 24.5, यहाँ आर 2 टाइम्स है, 24.5, 22/7, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, 2 4 5/10 इंटू 2 4 5/10, कैंसिल कर दीजिए, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, मीन्स कितना आ गया, 11 × 7 × 2 4 5। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसके नीचे में क्या है, 10 चल रहा है, ठीक है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 8 8 6 5/10। अगर आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 1 8 8 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका, एरिया। यहाँ पर रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दी है, फिफ्थ क्वेश्चन है। इसके पहले क्वेश्चन में आपको डायामीटर गिवन था, यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। ये अब आपको यहाँ r दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, r कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, मीन्स सर्कमफेरेंस कितनी आएगी, 44 सेंटीमीटर। वो आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रख दीजिए 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू व्हील्स इज 3:7, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। यहाँ आपको रेशियो दिया है रेडियस का, आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है। तो मान लीजिए ये 2 व्हील है, इसकी रेडियस कितनी है, 3, और इसकी रेडियस कितनी है, 7, मीन्स r1 = 3 एंड r2 = 7। अब आपको क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है। तो पहले व्हील की निकाल लीजिए, तो फर्स्ट व्हील इक्वल टू, फर्स्ट व्हील की सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, 2πr1।
टू इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 3। आर वन की वैल्यू 3 है, कितना हो जाएगा ये 44 इंटू 3 अपॉन 7। मीन्स कितना, 3 फोर ज़ा 12 का 2, 3 फोर ज़ा 12 और 1 13, ये आ गया। अब सेकेंड व्हील की सरकमफेरेंस निकाल लीजिए। सेकेंड व्हील की सरकमफेरेंस, सेकेंड व्हील की सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, 2πr2। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 और आर टू कितना था हमारा 7, 7 से 7 कैंसिल, मीन्स इसका कितना आ जाएगा 44। अभी फर्स्ट व्हील की सरकमफेरेंस आ गई है सेकेंड व्हील की, अब इन दोनों का रेशियो बोला है, तो फर्स्ट सरकमफेरेंस रेशियो सेकेंड व्हील की सरकमफेरेंस। फर्स्ट व्हील की सरकमफेरेंस कितनी आई थी 132 अपॉन 7 रेशियो, सेकेंड व्हील की कितनी आई है 44। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 132 रेशियो 44 इंटू 7। अब कट कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। मतलब यहाँ क्या बचा, 3 रेशियो 1 इंटू 7, मीन्स 3 रेशियो 7 इसका क्या हो जाएगा आंसर।